दोस्तों बड़ा अच्छा कार्यक्रम पूर्व विंग कमांडर चंद्र दुकल ने आयोजित किया। अभी बात करते हैं क्या चर्चा हुई है। पर्पस ये था और ये भी है कि क्योंकि सदन अभी सदन में निर्वाचित सदस्य नहीं है और सदन का जो फरीदाबाद का जो बजट है वो बन रहा है और इंटरिम बजट होगा या वो यूएलबी मिनिस्ट्री के पास में अप्रूवल के लिए जाएगा वो पूरा बजट होगा अभी हमें इस बारे में मालूम नहीं। तो हमने सोचा कि जनता की आवाज़ जो है वो एमसीएफ कमिश्नर तक माननीय मुख्यमंत्री जी तक माननीय मंत्री जी तक पहुँचाई जाए उसके लिए शुरुआत। मैं एयरफोर्स पर रहा काफ़ी साल और मैं काफ़ी बड़े शहरों में भी मैं रहा जैसे बैंगलोर में रहा हैदराबाद में रहा चेन्नई में रहा पुणे में भी कई बार गया। वहाँ मैंने एक बात देखी है कल्चर की बात है वहाँ की जो संस्कृति वहाँ पे जो म्यूनिसपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं वहाँ ऐसे फोरम्स हैं जहाँ वो चुने हुए लोगों से अलग संस्थाएं हैं जो डिस्कशन करती हैं और फिर बड़े पॉजिटिव वे में वो जाके कमिश्नर्स को या जो वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको जमा करते हैं। तो मेरी तो ये शुरुआत थी कि ऐसी शुरुआत की जाए और ये यहाँ और ये सिर्फ बजट पर नहीं शायद समस्याओं समाधान पर भी होगा और इसका पर्पस बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं था कि उसको ब्लेम किया जाए और उसको ब्लेम किया जाए क्योंकि देखिए आप यहाँ भी काफ़ी समय तक आपने देखा है ये समस्याएं आज से 10 साल पहले भी थी अब वो अब समस्याएं आप 10 साल पहले हाँ सोच पिछले 10-12 साल में सोशल मीडिया के जो डेवलपमेंट हो उसके कारण जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही अदरवाइज समस्याएं तो थी चाहे वो पहली सरकार हो दूसरी सरकार हो तीसरी सरकार हो चौथी सरकार हो किसी का नाम लेना यहाँ सही नहीं बट क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल लोग आए थे तो कई बार वो बह जाते हैं उनको टोकना पड़ा बताना पड़ा बट हम ये सब जो है वो कमांडर आप शहर में सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं आप। मैं जी सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ कि हम सब लोगों में एक कल्चरल चेंज आना चाहिए। अच्छा ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए और सबको मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए और कमिश्नर साहब से जिससे मिलके बजट का एलोकेशन जो है मंद वाइज हर आइटम का हर कॉलोनी का हर सेक्टर का हर रोड का अलग अलग अलॉटमेंट और उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। कोई भी नेता है कोई भी नेता चाहे बट ये जो कल्चर है ये चेंज होना चाहिए क्योंकि जो किसी ने सही बोला सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो शायद मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा था वो एम्प्लॉई जो लोग यहाँ काम करते हैं शायद उनका मेंटेलिटी हो चुका है क्योंकि वो उन्हें सुधारने वाला नहीं उनका सही डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति नहीं। अधिकारी लापरवाही करते हैं आपको कहने का मतलब सीधा मैं सभी अधिकारियों को नहीं कह सकता कुछ अधिकारी कुछ ऐसा लोगों में फीलिंग है अब उसके कारण क्या होता है फिर वो नेता को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि नेता ऐसा मैंने तो ये भी देखा है सॉरी कि नेता खुद लाचार फील कर रहा है कह रहा मेरी बात नहीं सुन जाता बिल्कुल वाजिब बात है हमने खुद देखा वो फोन करते हैं वो फोन करने के बाद में वो हाँ हो जाती है उसके बाद में फिर टाल टाल टोल नहीं कर चुका। आगे क्या कदम रहेगा आगे कदम ये रहेगा जी ये तो हम ज्ञापन वगैरह तो बनाएंगे फॉलो अप और एज फार एज संस्था कह रहे हैं इसी तरीके से पॉजिटिवली इससे जुड़े रहेंगे बिना पॉलिटिकल अप्रोच। कमांडर साहब किसी भी अभी आपकी बैठक में महावीर बिश्नोई शायद महावीर बिश्नोई नाम है ना उनका वो आए थे उन्होंने कहा कि हरियाणा के अधिकारी ना मेरी सुनते हैं ना गृहमंत्री अनिल विज की सुनते हैं ना सीएम साहब की सुनते हैं क्या कहना है आपका जो है वही आप भी कह रहे हैं कि अधिकारी थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूं अधिकारी लापरवाह है अधिकारी नहीं कुछ कुछ अधिकारी बोला कुछ तो अधिकारी बहुत बढ़िया है आप राजपाल साहब को देख लीजिए उन्होंने कितनी ट्रांसपेरेंसी पिछले 6 महीने में जो ट्रांसपेरेंसी लाए हैं वो कितनी जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी हम लोग भागीदार बन रहे हैं हम लोग उनकी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग तो क्या ये सब जगह नहीं हो सकती ये कल्चरल चेंज मैं कल्चरल चेंज की बात ठीक है कमांडर साहब थैंक यू।